नाजरीन यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से वन वे की वायोलेशन, लाइसेंस की वायोलेशन, रजिस्ट्रेशन बुक की अदम दस्तयाबी, हेलमेट की वायोलेशन है। इसके ऊपर ट्रैफिक वार्डन मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं पहना? भूल गया हूँ गाड़ी, भूल गया हेलमेट की गलती। और ना ही आपके चेहरे पे किसी किस्म की कोई नदामत है। इधर से बिल्कुल शर्मिंदगी, शर्मिंदगी में ऐसे ही आते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं मैं वैसे ही आप इंटरव्यू ले रहे हो यारी और कोई बात। ये पहला बंदा देखा जो शर्मिंदगी में हंस रहा है। गर्मी भी बहुत है और सर चकरा रहा था, मेरा अभी भी सर दर्द हो रहा है, मैंने सिर्फ ये उतारा है। अच्छा, हम लोगों के लिए सख्ती है, बाकी लोगों के लिए कोई सख्ती नहीं। क्या बोला तूने? ये भाई फोन सुनते आए हैं, ना इन्होंने हेलमेट लिया हुआ है, ना इनकी नंबर प्लेट है। दो दफा पहन के आए, उठाया गया अंदर से। झूठ बोल रहा है। आपने मेरी बहन को हेलमेट पकड़ा हुआ है? फ्यूल डलवाने लगा था, मैंने पकड़ाया तो देखे कंप्रोमाइज कर दे। समझ रहे हो? नहीं पहन सकता मैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ मेडिकल। मुझे ना मैं दवाई बहुत ज्यादा खाता हूँ। कौन है? कहाँ से आते हैं? हेलमेट क्यों नहीं लिया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कानून भी है कि आपने हेलमेट लेना है। मेन इशू लाइसेंस का। ये अंगूर खट्टे होते हैं। Oh, no. क्या नहीं बना तो उन्होंने कह दिया नहीं है। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। क्यों सर सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने? हमें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है ना, हम खुद तो इसे प्रिंट करवा नहीं सकते। सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? वैसे ही भाईजान बेटा वो आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आप पहनेंगे तो किसी इंजरी की सूरत में आप बच जाएंगे, अगर नहीं पहना होगा तो आपको नुकसान होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो क्यों नहीं पहना? भूल गया हूँ गाड़ी, भूल गया। लाइसेंस है लेकिन अभी पढ़ा नहीं हुआ। आप लाइसेंस भी भूल गए? आईडी कार्ड है बस। अभी नंबर बता दूँ? नंबर पता है उसका, चलान करना। आपकी एज कितनी है? एज मेरी है 28। 28 है तो आईडी कार्ड दिखाएं इन्हें। मैं नंबर बता देता हूँ। पढ़ा भी नहीं हुआ, वो भी नहीं पढ़ा। यानी आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। गाड़ी तो मेरे नाम पे ही है, कार्ड कुछ भाईजान रखता नहीं हूँ पास। असल में शॉप पे जाना होता है, कुछ भी नहीं रखता पास। ज़्यादा मिलते हैं हमें कि लोग जो है ना वो ना लाइसेंस बनवाते ही नहीं है, बोल दो मोटरसाइकिलिस्ट और कागजात घर भूल आते हैं, आईडी कार्ड भी असल घर भूल आते हैं। वो कहते हैं बस ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है चलान जमा कराएं हमें जाने में। अच्छा सर आप ये समझते हैं कि जो ट्रैफिक वार्डन्स की जो सॉफ्ट रवैया है, उनका जो सॉफ्ट रवैया है उसकी वजह से आवाम कानून पे अमल दरामद नहीं कर रही है, या आप ये समझते हैं इनके ऊपर कोई सख्त सजाएं होनी चाहिए ताकि इनको कोई नसीहत हो और लोग कानून की जो अमलदारी है उसको इंश्योर कर सकें? मेरा ख्याल से कि लोग जो है ना वो गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पता सबको है कि हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक की वायलेशन को जो है ना लोग वो जुर्म नहीं समझते। अब क्या करते हैं बेटे? मैं कुछ भी नहीं, बस वालिद साहब का कारोबार है, उधर जाके बस चौकीदारी करते। अच्छा वालिद साहब के कारोबार की चौकीदारी करते हैं। मुझे बड़ी आपको देख के ना हैरत हो रही है, आपके पास ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना आपके पास कोई आईडी कार्ड है, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके सर पे हेलमेट है, और ना ही हेलमेट की गलती और ना ही आपके चेहरे पे किसी किस्म की कोई नदामत नहीं, नहीं है। अंदर से बिल्कुल शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी है, है शर्मिंदगी में ऐसे ही हंसते हैं? नहीं मैं वैसे ही आप इंटरव्यू ले रहे तो यार ही और कोई बात। ये पहला बंदा देखा जो शर्मिंदगी में हंस रहा है। पहली दफा दी इंटरव्यू, मुझे शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है? अगर आपको शर्म आएगी तो नेक्स्ट टाइम आप हेलमेट पहनेंगे, क्या ख्याल है पहनेंगे? पहनूं मैं रोज पहनता हूं डेली। सर इनके खिलाफ क्या होगा? बस ये जी बगैर हेलमेट का जो आजकल कंपेन चल रही है, बगैर लाइसेंस बगैर हेलमेट और वन में ये कंपेन चल रही है, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, तो इनका फिर हेलमेट का चलान करेंगे हम जो इनका जुर्माना बनता है। बिल्कुल ठीक है। आपको चोरी हुआ हेलमेट? जेन्युइन चोरी हुआ। मैं कोई कारोबारी बंदे हैं, मैं हम कसम पे यकीन नहीं रखते ना। मैं हलफ उठा के कह सकता हूँ रात के टाइम पौने 12 बजे मेरा हेलमेट चोरी हुआ। आज आपने लिया क्यों नहीं? मैं अब जाके दुकान पे लड़के को भेज के मंगवाऊंगा हेलमेट स्पेशल। तब तक आपको चलान की खुशी हो, मुबारक हो। नहीं चलान आपकी मेहरबानी है। अब रात को मेरा पहले 1300 रुपये का हेलमेट लिया था मैंने ये पिछले महीने, तो अब वो रात को चोरी हो गया। हेलमेट आपने पकड़ा हुआ था इधर आके तो रश में आग में आप कहना शुरू कर दिए। भाग रहा तो नहीं हूँ मैं, आपकी वीडियो बनेगी सोशल मीडिया भी जाएगी, आपके घर वाले भी देखेंगे। मैं और क्या, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप बताएं इन्होंने क्या वायलेशन किया? हेलमेट हम भी देख रहे हैं, इन्होंने टैंकी के ऊपर रखा था, हेलमेट इन्होंने पहना नहीं हुआ था, रश में आ गए हैं। अब ये तो आगे आगे तो इन्होंने एक हाथ में हेलमेट पकड़ लिया और सर पे पहनने की कोशिश कर रहे हैं।
उस दौरान ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन्हें आप बताएं कि हेलमेट ना पहनने के नुकसान क्या है। जाहिर है सबसे पहले तो ये आपकी सेफ्टी है, ये आपके सर पे होगा, इसने आपका सर बचाना है हादसे में, तो आप खुद अपना ख्याल करें, ये सेफ्टी है आपके लिए। और रोड में जो भी इंजरीज हो रही हैं मोटरसाइकिलिस्ट की, वो सबसे ज़्यादा हेड इंजरीज होती है, और इसी वजह से आप रेस्क्यू वालों की जाकर देखें ना रेशो एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा बाइक्स की हैं और 80% से ज़्यादा हेड इंजरीज होती हैं। अच्छा आप ये बताएं, आपने वायोलेशन की है, आपने हेलमेट यहाँ पर रखा हुआ है, सर पे क्यों नहीं लेके आए, हालांकि ये आपकी हिफाजत के लिए। आज गर्मी भी बहुत है और सर चकरा रहा था मेरा, अभी भी सर दर्द हो रहा है, मैंने सिर्फ ये उतारा है, इधर ही उतारा है पीछे, हम माल पे उतरे हैं, माल से हम इधर अंदर आए हैं बस। सर के दो टुकड़े होने से तो बेहतर है कि सर चकराना वहाँ बर्दाश्त कर लिया जाए, क्यों नहीं पहना। मानता हूँ मैं, कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए ये उतारा था कि मैं चलो पहन लूँगा, अभी थोड़ी सी हवा लगने दो, जिंदगी से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है गर्मी। पहन लेते हैं, कोई मसला नहीं। सर जी हेलमेट क्यों नहीं पाया आज? हेलमेट बस वैसे ऑफिस से निकले हैं। ऑफिस से निकले हैं, ये किस लिए है? ये तो है अपने लिए, आपके दिमाग को, आपके सर को बचाने के लिए। हाँ जी ऐसे पुलिस भी सख्ती कर रही है, आपने इसको आगे रखा हुआ है, इसको आगे रखने का तो फायदा नहीं, खुदा ना खास्ता अगर आप गिर जाएं तो चोट तो आपको लगेगी। क्यों नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए नहीं, वो तो ठीक है, पहना क्यों नहीं, सवाल तो ये कर रहा हूँ। बस वैसे अभी निकला पहनने का, अभी रास्ते में पहनते हैं, बस ऐसे रख के तो निकल आए। जुर्माना भी दे देना है, अपनी जान को रिस्क पे भी ले लेना है, लेकिन इसे पहनना नहीं, इसे आगे रखना, ये मुझे साइंस समझ नहीं आई। हम इसे आगे रख के ये समझते हैं कि मैं हेलमेट पहना हुआ है। नहीं ऐसी नहीं है, वैसे बस थोड़ी सी ऐसे ही होता है कि लापरवाही हो जाती है। हमारी कौन से कानून नहीं मानती है ना सर? कानून यहाँ पे कौन मानता है, किसने माना कानून यहाँ पे? वैसे किसी ने माना है यहाँ पे क्या हो रहा है आपको सब पता ही है, किसने क्या यहाँ पे कौन है बड़े लोग, सारे ऐसे ही चलता है। हम लोगों के लिए सख्ती है, बाकी लोगों के लिए कोई सख्ती नहीं है। क्यों सर हेलमेट के लिए सिर्फ इनके लिए सख्ती है या दूसरों के लिए भी? नहीं सब लोगों को चलान कर रहे हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, हम लोग तो उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो हेलमेट ना पहनने की वजह से। सर इसमें आपको मिसाइल क्या सामना करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, अक्सर देखते हैं कि लोग आपसे दस्तों गिरेबान भी होते हैं, बहस भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, तो ये कैसे टैकल करते हैं? बस हम लोग आपको पता आदि हो गए हैं, 15-16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, बर्दाश्त दी हुई है और माफ़ करना सबसे बड़ी अल्लाह ताला को भी पसंद है, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रोज़ का काम है हमारा, हम हर बंदे के साथ लड़ नहीं सकते, और हमारी जो SOP है यही है कि मतलब कि किसी से बदतमीजी नहीं करनी और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आना है, लोगों के साथ ऐसे बहस भी करना, और इतनी गर्मी में धूप में आपने नौकरी भी करनी है, तो क्या कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन से मसाइल हैं? मसाइल ये हैं कि लोग वायलेशन करते हैं फिर चलान नहीं करवाते, इनको बार बार मना किया गया कि वन वे नहीं जाएं, हेलमेट पहने, ये भाई फ़ोन सुनते आए हैं, इनको रोका, अब ये चलान जमा कर रहे हैं, ना इन्होंने हेलमेट लिया हुआ है, ना इनकी नंबर प्लेट है। अच्छा ये बताइए महकमे की तरफ से कुछ ठंडे पानी की बोतलें वगैरह दी जाती हैं सीज़न में? महकमे ने हमें छतरियाँ दी हैं, वो छतरियाँ लगी हुई हैं, जब धूप होती है छतरी का इस्तेमाल करते हैं, पानी तो हर जगह मिल जाता है पानी पी लेते। अच्छा भाई जान हेलमेट क्यों नहीं पहना? यार मैं वॉक के लिए निकला हूँ इधर घर से, तो वॉक के लिए आया हूँ इसलिए। भाई जान है तो आपकी सेफ्टी के लिए ना? मेरी गलती है, मैं इसलिए चलान करवा रहा हूँ, मेरी गलती है। अच्छा ये गलती हैबिचुअल है या अभी इत्तफाकिया है? नहीं नहीं इत्तफाकिया नहीं, ये मेरी गलती है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ उनसे। इस चलान के बाद आप दोबारा हेलमेट पहन के पहनेंगे या नहीं? जरूर पहने, दो दफा पहन के उठाया गया अंदर से, क्या करें। अच्छा भाई जान इतनी धूप में इतनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, महकमे की तरफ से आपको क्या सहूलियात दी गई सर? हमारे CTO साहब बड़े अच्छे, बड़े काइंड ऑफिसर हैं, IG साहब भी बहुत काइंड ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ी हमारे ख्याल रखते हैं, पानी मिलता है, ये छतरियाँ दे दी गई हैं गर्मी में, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, अभी वो मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे। अच्छा लोग आपसे दस्तों गिरेबान होते हैं, बहस करते हैं, किसी को भी आप रोकते हैं, उसको आप कैसे टैकल करते हैं, महकमे की क्या तरबियत है? महकमा हमें यही कहता है कि हमने टॉलरेंस का मुजाहरा करना है, हमारा काम झगड़ना नहीं है, हम इनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, आज तक वाकया हुआ ऐसा नहीं है, ना ही ऐसी नौबत आने दी गई है, लेकिन कुछ वाकयात होते हैं उसमें मोस्टली लोग ना बाद में पछतावे का शिकार होते हैं, तो ऐसा नौबत कभी आने नहीं दी, क्योंकि तरबियत ही ऐसी की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, चलान करते हैं जब कोई बंदा आगे थोड़ी बहुत बात करता है उसको इतना कर देते हैं कि चलो इसका चलान हुआ है, अगर बात करा तो कोई बात नहीं, इसका बर्दाश्त कर ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्यों रोका? जी हेलमेट नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? मेरी बहन ने हेलमेट तो पकड़ा हुआ है। नहीं बस अभी वो मोबाइल निकालने लगा था तो रोका है। हेलमेट किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए। कौन कौन किस चीज़ की सेफ्टी के लिए? ये अपनी पर्सनल सेफ्टी है। आपके दिमाग की सेफ्टी के लिए, आपके सर की सेफ्टी के लिए। सर तो आपने मेरी बहन को हेलमेट पकड़ा हुआ है,
पता क्या, अभी फ्यूल डलवाने लगा था, मैंने पकड़ाया, बस पीछे पहन के ही आया था, अभी बस एक आधा मिनट पहले पकड़ाया, गलती है मेरी, तो देखे कंप्रोमाइज कर दें। कंप्रोमाइज क्या कर लेंगे, तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी को इंश्योर कर। मैं अभी पहन लेता हूँ, आपके सामने पहन। भाई आपको क्यों रोका इन्होंने? पता नहीं, अभी तो पता करना भाई। क्यों रोका सर इन्हें? हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैं नहीं पहन सकता, मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ मेडिकल। मुझे ना, मैं दवाई बहुत ज़्यादा खाता हूँ ये, क्योंकि मेरा ना ब्लड प्रेशर और शुगर का ही मसला ये थे। सर कोई आपकी SOPs है महकमाना जो पेशेंट्स को इससे इस्तिश्ना हो हेलमेट से? नहीं, ऐसी हमारी SOP कोई भी नहीं है कि जिसके साथ हेलमेट के बगैर आप बाइक चला सके। हर बंदा जिसने बाइक चलानी है उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है, अगर हेलमेट है तो वो बाइक चला सकता है, वरना ऐसी SOP कोई भी नहीं है। अच्छा सर ये बताएं, आप पेशेंट हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप पेशेंट हो के अगर बाइक चला सकते हैं तो हेलमेट क्यों नहीं पहन सकते? अब वो उसको आप वो ना लें जो सामने कवर वाला, जो येलो सा, वो नेक्स्ट ले लूँगा, ले लूँगा, मेहरबानी, रिक्वेस्ट। कसूर इनका है या ये आपके भले के लिए कर रहे हैं? ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। आपके साथ छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, वो भी गैर महफूज है, उसका भी बेचारा। सर हम तो, मैं अभी भी मेडिसिन जी आ रहा हूँ लेने, ये अपना एक कॉम्प्लेक्स में अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट है मेरे पास, देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट कभी ऐसा नहीं होगा, लेके रखूँगा, हेलमेट लेके रखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मेरे पास, लेकिन दूसरा है अभी, वो नेक्स्ट परचेज करना पड़ेगा। नहीं आप फरमा रहे थे कि आप ले नहीं सकते, अभी आप फरमा रहे हैं कि आपके पास है भी, और आप ये भी अंदिया दे रहे हैं कि आप लेंगे भी। सर मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी भी मैं दूसरा ले लूँगा, मेरे पास वैसा है वो, मैं सांस मेरा रुकता, मेरे पास वो देख लें मेडिसिन पूरी जो है ना, उसमें है ऐसी दवाई, किसी को भी डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। मेरा नाम है, मैं वही नाम उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाऊँगा अपने ID कार्ड पर। सर क्या कार्रवाई करेंगे यानी वार्निंग देंगे? पेशेंट हैं बता रहे हैं, इसलिए मैं उनको वार्निंग ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप पहने, अभी वार्निंग आपके। आप नेक्स्ट टाइम पहनेंगे? बिल्कुल पहनूंगा जी। अच्छा सर बताइएगा आपको क्यों रोका इन्होंने? सर पूछे, मुझे नहीं पता सर क्यों रोका इनको। एक तो हेलमेट भी इनके पास नहीं, और दूसरा मोबाइल इनके हाथ में है, दो वायलेशन है। आप बाइक चला रहे हैं, आपके एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे पे आप बाइक चला रहे हैं, ये क्या रिस्क पे नहीं ले रहे आप अपनी अपनी जान को रिस्क पे ले रहे? पॉकेट छोटी थी, मोबाइल गिरने का खतरा था, इस वजह से मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, यूज नहीं कर रहा। तो आप क्यों जेब में डाल रहे हैं? तो अब तो खड़ा हूँ ना, तो चलते हुए गिर जाए। हेलमेट क्यों नहीं लिया? है तो आपकी सेफ्टी के लिए ना, अगर आप सर पे हेलमेट लिया होगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो तो उस सूरत में आपकी सेफ्टी है, आपने क्यों नहीं लिया? और ये कानून भी है कि आपने हेलमेट लेना है। इनके पास कोई जवाब नहीं है हेलमेट ना पहनने का। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के जेल रोड पर, यहाँ पर मेरे साथ एक ट्रैफिक वार्डन है। मुझे इन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये हेलमेट की वायलेशन जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने खुद भी हेलमेट पहना हुआ है, सरकारी यूनिफॉर्म में भी है। सर बताइए हेलमेट के हवाले से आपकी क्या कंपेन चल रही है, उसमें आपकी वर्किंग क्या है? हेलमेट कंपेन तो यही है कि जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, उनका फ़ायदा है, इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर नहीं पहनते तो फिर चलान होता है। मैंने अभी यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए आपको देखा है, लोग अमूमन ये कह रहे हैं कि गर्मी है, हम हेलमेट नहीं पहन सकते, तो गर्मी में आप तो धूप में खड़े हैं और आपने तो हेलमेट भी पहना हुआ है, इसमें लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये गर्मी का सिर्फ बहाना है, बहाना बनाते हैं कि गर्मी है, गर्मी में कुछ नहीं होता, ये तो सेफ्टी है अपनी, अपनी सेफ्टी है ना, तो अब गर्मी में तो फिर कपड़े भी जो है वो कहेंगे जी हम बहुत मतलब ना ही पहने, तो ये पहनना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। हेलमेट भी आपने आगे रखा हुआ है सर, लेकिन हम लोग हाँ लाइसेंस नहीं है, मेन चीज़ तो ये लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मेन इशू लाइसेंस का। हाँ जी, क्यों नहीं बनवाया? बनवाने के लिए गए हैं, बनवाते नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बनवाते, बस कोई इशू हो सकते हैं, कई बार बनवाने की कोशिश की है, अब नहीं है हमारे पास। क्यों सर लाइसेंस के इजरा में कोई प्रॉब्लम्स हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इतने लोग लाइसेंस के साथ चल रहे हैं उनका तो बन गया, इनका क्यों नहीं बन रहा? देखें जी अंगूर खट्टे होते हैं, अब इनका नहीं बना तो उन्होंने कह दिया नहीं है ना, इनके कह लिया, ये कभी खुद बनाने की कोशिश नहीं की, और ट्रिपलिंग आ रहे हैं मेनली ना, ट्रिपलिंग आ रहे हैं, अंगूर मीठी भी तो हो सकती है, आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह। अभी सर आप जब जैस कैश से पैसे जमा करवाएंगे मीठे हो जाएंगे, ये
बताइएगा कि लोगों को आप हेलमेट की जो वायलेशन है उसके ऊपर कैसे वर्किंग कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है या उस पर कोई अप्लाइज भी कर रहे हैं? गर्मी का मौसम है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने हेलमेट नहीं पहना। मैं ये देख रहा हूँ कि सख्त कड़ी धूप में आप खड़े हैं और बगैर किसी पानी के, बगैर किसी साए के खड़े हैं, लेकिन हेलमेट आपके सर पर भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लोग अक्सर गर्मियों में ही बहाना लगाते हैं, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम उनको ये मशवरा देते हैं कि इस तरह का हेलमेट यूज़ कर लें, मार्केट में अवेलेबल है इस तरह के भी। इसमें यह है कि बंदे को जो है ना वो मसला नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, जिनको सांस का मसला है या गर्मी का मसला है उनको ये मसला नहीं होता। इस तरह का हेलमेट अगर यूज़ किया हो ना तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मामला ठीक रहते हैं। अच्छा ये अभी आपने एक अंडरएज लड़के को भी रोका है, ये जिसकी बाइक खड़ी है तो ये 18 साल से कम उम्र है, तो वालदेन को लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अमूमन ज़्यादा हादसा होते हैं उनमें, ये टीनेजर ही होते हैं जो इसका शिकार बनते हैं हादसा का। बिल्कुल हम तो अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू और इसके अलावा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे जो ऑफिसर हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो गाहे बगाहे जो है ना वो TV पे आके बताते रहते हैं कि भी इस चीज़ से गुरेज किया जाए, लेकिन स्टूडेंट होते हैं अमूमन, कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, घर के छोटे मोटे मामलात होते हैं, और फिर हम देख के बच्चे को देख के उस हिसाब से जो है ना उसके खिलाफ़ जो बनता है कार्रवाई कर देते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा ये बताइए इस मौसम से बचने के लिए महकमे ने आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है छतरी दी गई है, कैबिन भी लगे हमें, इसके अलावा पानी भी होता है हमारे पास, पानी की बोतलें होती हैं, ये है अल्हम्दुलिल्लाह महकमा हमें सपोर्ट करता है। रोका इन्हें? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। क्यों सर सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने? यार मैं यहाँ से निकला हूँ साथ से ही, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, मेरा मुल्तान से ताल्लुक है, मेरी चीज़ें सारी पूरी हैं, मैंने इन्हें कहा मुझे इस वक्त ना आप तंग ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी, मैंने रिक्वेस्ट किया, बाकी अब इनकी मर्जी है जो भी फैसला करें। अच्छा सर SOP तो यही है ना कि आपने बेल्ट लगाना है, आपने क्यों नहीं लगाया? एक पीछे फैक्ट्री है, मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं जब निकला हूँ तो अभी मैंने सिर्फ टर्न लिया और मैं कोशिश कर रहा था इस पर हाथ डालने की, तो उतनी देर में ये जगह आ गई, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है जी मेरा ताल्लुक मुल्तान से है तो आप मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिएगा, कोई प्यार से ही कहा है, बाकी अब आप रिक्वेस्ट कर दें मेरी जगह इनको। मैं तो वो गैर कानूनी काम की कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, जब आप निकलने लगे उस वक्त आपने क्यों नहीं बेल्ट लगाया? मैं थोड़ी सोचों में गुम था जी। ये कानून का नहीं आपका कसूर है। चले फिर कर लें जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यों रोका आपको इन्होंने? वो ज़रूरत है उनकी, वो पहले जी ब्लैक पेपर का मैंने परमिट दे दिया, आप प्लेट्स का कह रहे हैं, प्लेट सरकार ने नहीं दी तो मैं कहाँ से लेके हूँ? ये इलीगल नहीं है जो प्लेट्स का मामला ये उठा रहे हैं जी? ये इलीगल है, लेकिन सरकार दे ना, हमने सरकार को तो पे कर दी है, इनकी रजिस्ट्रेशन के पैसे भी दे दिए, प्लेट्स के पैसे भी दे दिए, अब प्लेट्स हमें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है ना, अब हम एक्साइज का काम है ना, अब हम खुद तो यहीं से प्रिंट करवा नहीं सकते, खुद करवाएंगे तो इसी तरह बनेंगे। क्यों जी ये कह रहे हैं कि महकमा एक्साइज में, इन्होंने कोई पर्ची वगैरह तो इनके पास होगी ना, कोई स्लिप वगैरह तो होगी जो प्लेट्स की है? वो ये है, ये प्लेटें भी गैर नमूने के मुताबिक नहीं, जब तक नहीं मिलती उस वक्त तो नमूने के मुताबिक लगाया ना, जैसे पंजाब का मोनोग्राम है ऐसे, तो सर आप जब तक नहीं लगा सकते सर, जब तक आपको वो नहीं जारी होती, जैसे ये कह रहे हैं कि जो लोगों के साथ है, पंजाब के लोगों के साथ, आपने वो क्यों नहीं लगाई? सर वो कहाँ से लें, बाज़ार में जाएँ तो बाज़ार में यही बनी मिलती हैं, प्राइवेट तो बाज़ार में यही मिलेंगी। सर बताए ना आवाम को कि कहाँ से मिलेंगी? आप जिधर से ये बनवाए उनको कहो पंजाब के लोगों वाली बनवा करते हैं हमें। ये वार्डन साहब कह रहे हैं कि जहाँ से आपने ये प्लेटें बनवाई हैं उसी प्लेटों वाले से अगर आप ये कहें कि पंजाब हुकूमत के लोगों वाली प्लेट्स बना दें नमूने के मुताबिक तो वो बन जाएंगी, क्या आप अपनाएंगे इनको या ऐसे लगी रहेगी? बना देंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों से हमारे मसले सारे सोल्व हों तो फिर प्लेट्स भी हम लगा लें, क्या ये जो आवाम है आवाम ही सारा कुछ करेगी? गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए कुछ भी नहीं होना।